तो हेलो गाइस, कैसे हो साहब। मेरा नाम है मुकेश और मैं आया हूँ कर नए वीडियो के साथ में। तो आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ TR कैमरा अपने मैक्सप्रो M1 के अंदर, और जो मेरा जो मैक्सप्रो M1 का वेरिएंट है वो 6GB और 64GB। तो इसके अंदर मैं हालांकि कैमरा 2 API सबसे पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो मेरा तो कैमरा 2 API इनेबल है, तो आप अगर नहीं है तो आप इनेबल कर लें। तो चलो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और इसके फीचर्स और पोर्ट्रेट मोड सारे कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने TR कैमरे के अंदर, जो कि GCam की तरह ही सेम टू सेम GCam की तरह ही है। और यहाँ पर फुल जूम करने पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, और पोर्ट्रेट मोड वगैरह आसानी से हमें दोनों के अंदर वर्क करता है, बिल्कुल आसानी से वर्क करता है। और चाहे हम फ्रंट फेसिंग कैमरे के अंदर बात करें और रियर कैमरे के अंदर बात करें, तो पोर्ट्रेट मोड आसानी से वर्क कर जाता है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ये भी इस कैमरे के अंदर बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर फ्रंट और रियर कैमरे दोनों के अंदर पोर्ट्रेट मोड आसानी से आप इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इसके अंदर कुछ अलग से फीचर्स तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और मतलब कि पोर्ट्रेट मोड तो और पोर्ट्रेट मोड के आप अंदर आप जूम भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें जूम करने को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4K के अंदर आप वीडियो को यहाँ पर शूट कर सकते हैं, और डिटेलिंग भी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिल जाती है। तो इसकी अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो नॉर्मल सेटिंग हमें देखने को मिलती है, और कुछ अलग से यहाँ पर इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेंस ब्लर काम कर रहा है और पैनोरामा वगैरह सारा कुछ यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर स्लो मोशन वर्क नहीं करेगा, बाकी सब कुछ आपका वर्क कर जाएगा। और चलते हैं थोड़ी सी सेटिंग्स के अंदर, तो नॉर्मल सेटिंग हमें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर कुछ आप सेटिंग में जाके आप खुद जब आप सेटिंग में जाएंगे तो आप इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो TR कैमरा और गूगल कैमरे के अंदर यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, और हालांकि दोनों कैमरे एक ही हैं लेकिन उसको थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज कर दिया है। तो इसके अंदर एक प्रो मोड भी है, तो इसके अंदर भी आप थोड़ी बहुत OIS वगैरह सेटिंग्स इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और मतलब इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें थोड़े से नए फीचर देखने को मिलते हैं, और फोटोज़ तो बहुत अच्छी आती हैं। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो कभी कभी फ्रंट कैमरे के अंदर कुछ कलर्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो जाता है। तो फ्रंट कैमरा थोड़ा बहुत हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेकार है, लेकिन इसके अंदर डिटेलिंग भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो बस यह आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देखने को मिल जाती है। तो ये अगर आप वीडियो की बात करें तो स्टेबलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है, और चाहे रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, यहाँ पर कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। स्लो मोशन बस वर्क नहीं करेगा, बाकी सब कुछ आपको वर्क कर जाएगा। तो बस ये आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।